Pointing devices. Objectives. Pointing devices का lesson करने के बाद आप जान सकेंगे कि computer mouse क्या है, इसके मुख्तलिफ functions क्या हैं और इसके अलावा चंद और pointing devices कौन सी हैं। Mouse. इस वक्त आप स्क्रीन पर जो डिवाइस देख रहे हैं हम उसे माउस कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी चीज की बआसानी निशानदेही कर सकते हैं। बज़ाहिर ये एक छोटी सी डिवाइस है लेकिन है बड़े काम की। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के माउस मौजूद हैं जिनमें से कुछ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब देखने में मुख्तलिफ जरूर हैं मगर ये काम एक ही जैसा करते हैं। हम इनमें से एक को तफसील से देखेंगे। ये एक आम माउस है। हो सकता है कि आपका माउस इस माउस से मुख्तलिफ हो। जरा गौर से इसको देखिए। इस पर दो बटन लगे हुए हैं। दाएं बटन को राइट माउस बटन और बाएं बटन को लेफ्ट माउस बटन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस को इस्तेमाल करने के लिए इसे कैसे पकड़ा जाता है। आप देख रहे हैं कि माउस को माउस पैड पर रखा हुआ है। देखिए कि माउस को पकड़ने के लिए हाथ की हथेली को इसके ऊपर रखा जा रहा है और हाथ की उंगलियों से इसे ग्रिफ्ट में लिया जा रहा है। ये बात नोट करें कि पहली उंगली को माउस के लेफ्ट बटन पर रखा गया है और दूसरी उंगली को माउस के राइट बटन पर रखा गया है। इस वक्त आपको स्क्रीन के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। एक हिस्से में माउस है और दूसरे हिस्से में तीर का निशान। अब हम माउस को पैड पर घसीट रहे हैं। क्या आपने बाईं जानिब स्क्रीन पर कोई तब्दीली महसूस की या आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया? जी हाँ, आप माउस को जिस सम्त में हिलाते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा तीर का निशान भी बिल्कुल उसी सम्त में हिलता है। इस तीर के निशान को माउस पॉइंटर, एरो या माउस कर्सर कहते हैं। अब हम माउस को दाईं जानिब घसीट रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीर का निशान भी उसी सम्त में जा रहा है। अब हम माउस को ऊपर की जानिब घसीट रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीर का निशान भी ऊपर जा रहा है। क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग। हमने माउस को इस्तेमाल करना तो सीख लिया, अब हम माउस के बटन्स का इस्तेमाल सीखते हैं। माउस के बटन दो तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तरीके में हम माउस के किसी भी बटन को एक मर्तबा दबाते हैं। इसको सिंगल क्लिक या क्लिक करना कहते हैं क्योंकि जब माउस का बटन दबाया जाता है तो क्लिक की आवाज आती है। इसी तरह अगर हम माउस के किसी बटन को एक सेकंड में दो बार दबाएं तो इसको डबल क्लिकिंग कहते हैं। डबल क्लिकिंग करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि ये एक सेकंड के अंदर किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने ये क्लिक किया और अब दोबारा क्लिक किया। ये डबल क्लिकिंग हरगिज नहीं है बल्कि दो सिंगल क्लिक्स हैं। राइट क्लिकिंग। अभी हमने माउस के बाएं बटन को इस्तेमाल करने की एक्सरसाइज की है क्योंकि माउस का बायां बटन आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह माउस का दायां बटन भी इस्तेमाल होता है। माउस के दाएं बटन को एक मर्तबा दबाने के अमल को राइट क्लिकिंग कहते हैं, जिससे स्क्रीन पर कुछ और इन्फॉर्मेशन नजर आती है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी डिटेल हम अगले लेसन में देखेंगे। ड्रैगिंग। आइए अब हम माउस का एक और इस्तेमाल देखते हैं। हम माउस की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक चीज को घसीटकर या ड्रैग करके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इस अमल को ड्रैगिंग कहते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। दाएं जानिब आपको माउस नजर आ रहा है और बाएं जानिब आपको एक किताब नजर आ रही है जिसे हम घसीटकर या ड्रैग करके उसके करीब पड़ी मेज पर रखेंगे। सबसे पहले हम एरो को किताब के ऊपर लेकर आए हैं। अब आप स्क्रीन के दाएं तरफ देखिए। यहां पर हमने माउस का बायां यानी लेफ्ट बटन दबाया है। अब हम माउस पॉइंटर को मेज की तरफ घसीट कर ले जा रहे हैं। देखिए माउस का बटन अब भी प्रेस्ड है यानी दबा हुआ है। अब किताब मेज के ऊपर आ चुकी है। अब माउस का बटन हमने छोड़ दिया है ताकि किताब मेज पर रहे।
इस तरह आपने देखा कि हमने माउस की मदद से किताब को ड्रैग करके यानी घसीट कर मेज पर रखा है। ये अमल ड्रैगिंग कहलाता है। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइस हर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी चीज की निशानदेही करते हैं। चूंकि माउस की मदद से हम स्क्रीन पर मुख्तलिफ चीजों की निशानदेही करते हैं, इसलिए हम इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। मगर माउस दुनिया की वाहिद पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसके अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, जैसे कि ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड। ये एक ट्रैक पैड है जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एक छोटी सी स्क्रीन जैसा होता है। ये ट्रैक पैड बहुत नाजुक सतह से बनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या ऊपर नीचे हिलाई जाए तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तीर का निशान उसी समत में चलता है। ट्रैक बॉल। ये एक ट्रैक बॉल है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मगर देखा जाए तो सिर्फ एक बॉल है जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है। देखिए, इसको घुमाने से कंप्यूटर की स्क्रीन पर एरो उसी समत में चलता है जिस समत में हम इसे घुमाते हैं। समरी। मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने माउस और दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में देखा। इसके साथ साथ हमने माउस के जरिए क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग और ड्रैगिंग के तरीके भी सीखे और उनकी एक्सरसाइज की। हमने इस हिस्से में ये भी देखा कि माउस को किसी पैड पर घसीटने से स्क्रीन पर एक तीर का निशान, जिसे पॉइंटर कहा जाता है, उसी समत में चलता है। ये तीर का निशान स्क्रीन पर किसी चीज की निशानदेही करने के काम आता है। माउस के अलावा हमने ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल के बारे में भी मालूमात हासिल की। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन माउस से थोड़ा मुख्तलिफ है।